भाई क्या कह रहे हो? हमें कुछ नहीं लगता कि मेरा कोई फर्ज नहीं बनता। सारे फराइज तुम्हारी अम्मी पूरे कर चली गई, ये चेक उन्हें देना जाकर। समझ नहीं आ रहा कैसे वजाहत दूं। तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ पहले ही बहुत वाज़े अल्फाज में सब कुछ कहकर जा चुकी है। खाला, अम्मी को गलत फहमी हुई है। हमारे दरमियान हमेशा से काबले एतबार बहन भाई का रिश्ता रहा है, बहुत इज्जत का, बहुत एहतराम का। पता नहीं कब और क्यों अम्मी को ऐसा लगा, मैं तो खुद बेहद शर्मिंदा हूं। कसूर खाला का नहीं है, हमारी कल्चर और सोसाइटी का। महके में बैठी लड़की को दरवाजे पर लगी बेरी समझ के जिसका दिल चाहे आकर पत्थर मार दे। ऐसे मत कहो, अम्मी भी बहुत शर्मिंदा है। उनकी शर्मिंदगी से मेरी बहन पर लगे इल्जाम का अजाला हो जाएगा। बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी बात करके चली गई वो। बाल, मैं मानता हूं अम्मी से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन ये वक्त इन वजाहतों का नहीं है। हमें पहले मिलकर राबी का मसला हल करना है। ये मेरा और मेरी बहन उसके घर का मसला समझो, मैं जैसे मर्जी हल करूं, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो? हमें कुछ नहीं लगता कि मेरा कोई फर्ज नहीं बनता। सारे फराइज तुम्हारी अम्मी पूरे कर चली गई, ये चेक उन्हें देना जाकर। समझा देना कि इकबाल अपनी बहनों के सर पर जिंदा है अभी, किसी ने भी उनके किरदार पर उंगली उठाई उंगलियां तोड़ दूंगा मैं। चलो सारा उठो। मुझे कहते हैं जी हीरा मानी सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।